हमारी यहाँ पर तो पूजा हो गई और अब बारी है यहाँ से डोमिनोज जाने को। चलते हैं, आंटी को भी पिज्जा खाना है, देखते हैं आंटी को पसंद आता है कि नहीं। सुनी है बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम कभी पिज्जा खाए नहीं, पर खा के देखते हैं कैसा लगे। अच्छा लगेगा तो दोबारा खाएंगे, तो कभी नहीं खाएंगे। तो यहाँ पर आ गया जी हमारा ऑर्डर और आंटी जो है फर्स्ट टाइम खाएगी पिज्जा। इस समय जो है घर थोड़ा सा सूना लग रहा है। मोनू थे, रितु थे, नंसी दीदी थी, मम्मी थी, बाबू था और एक अलग ही चहल पहल था। उस मुकाबले थोड़ा सा तो शांत लग रहा है और थोड़ा सा घर उदास लग रहा है। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो जी अभी बज रहे हैं रात के 10 और अभी हमारा समय हो गया है खाना खाने का। और आज खाने में कुछ स्पेशल बना हुआ है, वह जो खाना है मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो आभा मौसी आई हुई है और उनको जो है यह पसंद मालूम है और वह जब बनाती है तो काफी अच्छा बनाती है। तो इधर लग गया जी हमारा दलपूरी और खीर, यहाँ पर है दलपूरी और खीर और साथ में आलू का भुजिया। अभी बज रहे हैं जी सुबह के 10:10 और इस समय जो है घर थोड़ा सा सूना लग रहा है। मोनू थे, रितु थे, नंसी दीदी थी, मम्मी थी, बाबू था और एक अलग ही चहल पहल था। उस मुकाबले थोड़ा सा तो शांत लग रहा है और थोड़ा सा घर उदास लग रहा है। और यहाँ पर लगता है मम्मी जो है लगभग सारा खाना बनाने की तैयारी कर चुकी है। यहाँ आटा लग चुका है, उधर सब्जी बन चुका है और पापा के जो है कोर्ट जाने का समय भी हो गया है। One hour later. तो कब चलेंगे गंगा स्नान? क्या कहाँ ले जाएगा, मनिहारी या कहीं और? मनिहारी तो नजदीक है, लेकिन सोच रहे हैं कि हमारा ससुराल है वहाँ भी गंगा नदी है। अरे तो और खुशी का बात है, बेटा के ससुराल के बगल में गंगा जी या गंगे घाट उनका है। बिल्कुल, वहीं जाएंगे नहाएंगे, वो वहाँ पर सभी लोग खुश भी हो जाएंगे। सबसे मिल भी लेंगे, सबसे मुलाकात भी हो जाएगी। बिल्कुल, तो वहाँ पर चलेंगे जी, गंगा स्नान करेंगे, स्पेशल मुलाकात करेंगे, समधन मिलन हो जाएगा। समधन मिलन नहीं, समधि मिलन हो जाएगा। वाह, समधि मिलन हो जाएगा। समधन से मिलन, तो यहाँ से समधि थोड़ी जा रहे हैं, यहाँ से समधि, यहाँ से समधन, जाने वाले और से भेंट करने नहीं जाते। वाह, बाबू आ चुका है नहा करके और एकदम हो चुका है फ्रेश। और बाबू अभी अलग ही मोड में लग रहा है, सोने का अभी भी कोई लक्षण नहीं है। इलाका को सुला देगा, सोने वाला है। सुबह में क्या किया, खुश खुश कर रहा था, दूध दे दिए तो सोची क्या बरसाई सो जाएगी, सब सो रहा, ये बेचारा अपना पंखा दे के खेल रहा है। घर में हम सबको सुना के सोएंगे, हम सोने वाला पार्टी नहीं। हर हमेशा एक बात बताओ, हर हमेशा सोए रहेगा कि उसका ही सोएगा। सही बात है, बड़ा रहता तो खेलता। बिल्कुल, सब चाहता सोएगा। कोई नहीं, कुछ दिन बाद बड़ा हो जाएगा तो घुरकते रहेगा इधर उधर, घुरकते रहेगा। जितना सामान है ना, देखेगा तो लाठी से गिरा देगा नीचे। तो अभी चल रहे हैं जी पापा को कोर्ट छोड़ने के लिए। पापा के कोर्ट जाने का समय हो गया है। मोनू जब रहता था, मोनू ही पापा को कोर्ट छोड़ा करता था, मोनू है नहीं। अब यह जो जिम्मेदारी है हमारे ऊपर है, तो चलते हैं। 20 minutes later. पापा को तो छोड़ करके आ गए जी और अब बारी है खाना की। तो वहाँ पर जो है खाना मेरा लग चुका है, तो चलते हैं खाते हैं। अभी हम लोग आए हुए हैं जी कटिहार के कालीबाड़ी मंदिर और यहाँ पर जो है जिया, वर्षा और आंटी सभी लोग साथ में आए हुए हैं। सभी लोग यहाँ पर पूजा करेंगे और पूजा करने के बाद जो है सभी लोग चलेंगे यहाँ से डोमिनोज। आंटी को बहुत मन था एक बार डोमिनोज जाने का, तो आंटी को लेकर के चलेंगे। बाबू भी आ जाए काली मंदिर। तेरा दूध, तेरा दूध। जी हमारी यहाँ पर तो पूजा हो गई और अब बारी है यहाँ से डोमिनोज जाने को। चलते हैं, आंटी को भी पिज्जा खाना है, देखते हैं आंटी को पसंद आता है कि नहीं। सुनी है बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम कभी पिज्जा खाए नहीं, पर खा के देखते हैं कैसा लगे। अच्छा लगेगा तो दोबारा खाएंगे, तो कभी नहीं खाएंगे। चलिए जी ठीक है, तो चलते हैं आगे से टोटो ले लेते हैं। तो अभी हम लोग खड़े हैं जी डोमिनोज के बाहर और यहाँ पर जो है सभी लोग जा रहे हैं। हम आए हुए हैं, जिया आए हुए हैं, अब हम मौसी आई हुई है, वर्षा आई हुई है और क्रियांश आया हुआ है। मम्मी को बोले तो मम्मी नहीं आ पाई क्योंकि बगल में जो है शिव चर्चा हो रहा है, तो मम्मी वहाँ पर शामिल हो रही थी। तो मम्मी वहाँ पर थी तो कही कि वहाँ से वह नहीं आ सकती है पापा के कोर्ट में। तो हम लोग आए हैं और अब हम मौसी कही कि पिज्जा जो है कभी भी टेस्ट नहीं किए हैं, तो सोचे कि चलिए आज उनको टेस्ट करवा देते हैं और देखते हैं आंटी का कैसा एक्सपीरियंस रहता है और कैसा उन्हें लगता है। यहाँ पर आ गया जी हमारा ऑर्डर और आंटी जो है फर्स्ट टाइम खाएगी पिज्जा। आंटी बता ना कैसा लगता है तुमको पिज्जा? खाएंगे तब ना बताएंगे। आंटी कल ये बोली थी सबको, तुम पिज्जा पिज्जा खिलाते हो, हमको काहे नहीं खिलाते हो? तो लेते हैं आंटी को, इसलिए खा के बताएंगे कैसा लगा।
गया, खाया हुआ और अब निकल रहे हैं यहाँ से। The next day. क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो? भुगियों का देख रहे हो? भुगियों का देख रहे हैं? क्या हम देख सकते हैं हमारे शैतान बेटे को? आज सो ही नहीं रहा है, सिर्फ इसको खेलना है, सबके साथ खेलना है। मम्मा भूखी है, इसको कोई प्रॉब्लम, भूखी रहो लेकिन मुझे खिलाती रहो, मेरे साथ बात करती रहो, है ना? एक मिनट नीचे नहीं रहता, ये डेली सो जाता था टाइम में और आज नहीं सो रहा है। बोल जल्दी भूखिया करेंगे दोपहर। कितना बदमाश हो गया देख रहे। और बदमाशी करेगा और करेगा बदमाशी। बेटा बहुत शैतान हो गया, ये बहुत शैतान हो गया। किधर रह गए पापा? पापा किधर रह गए जी? अभी सब सिखाएंगे तुम्हारा, समझेगी ना तुम? कितना शैतान हो गए हो, क्या कहेंगे? इतनी एक नंबर का बेटा बदमाश हो गया है, बदमाश हो गया है। आने दो पापा को। बुला पापा। ए पापा बुला। ये जो है अपनी बुआ की गोद में जा नहीं रहा है, सिर्फ इसको दादी की गोद में रहना। सच में तुम तो एहसान फरामोश हो गया। लेकिन अभी नहीं जा रहे, देखता है ना? दादी तुम्हारा ही दूध गर्म कर रही है ना? हाँ, गर्म दूध जो पिएगा। साल में चार होगा, दूध फट जाएगा तो कहाँ से चाय पिएगा? 30 बार चाय पिए छो। बोलो गुस्सा मत करो पापा। अब इसका उंगली भी निकालो तो रोएगा। चाय सुनवा ने पिए छो, जियो ने पिए छो, चाय पिए माई से ऋतु लगे ससुर ले चाय बने तू घंटा अपनो पी। हाँ ना ऋतु खूब चाय पी है ना? पीती है खूब, जानते हो दही का शौकीन है। वकील साहब को दे रही थी जिया। अच्छा। डैडी वही लोग खाएगी तो जानते हैं दोनों बहन दही के, वो जो खटका से खटका दही है वही हम लोग खाने वाला है, इसलिए गया। चलो कोई बात नहीं, फाइनली गया ने ले गए जबरदस्ती।